भारतीय कांग्रेस ने सेंचुरी लगा दी है और बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए जो ये मैजिकल फिगर है और उसके बिल्कुल करीब पहुंचती हुई कांग्रेस फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि अर्ली ट्रेंड से रुझान है रोमाना, तो ये शुरुआती रुझान है, क्या इसी तरीके से नतीजों में तब्दील हो जाएगी ये तस्वीर? इस बीच आंकड़ा एक बार फिर से बदला है और आपको बता दें बीजेपी 70 पर पहुंच गई है। कांग्रेस जिसने अभी सेंचुरी लगाई थी दोबारा से घटकर 98 पर आ गई है। नर्वस 90s में एक बार फिर से कांग्रेस ने वापसी की है, तो कुल मिलाकर तस्वीर पल पल बदल रही है। और यहाँ पर फिर बता दूं पोस्टल बैलेट शुरुआती रुझान अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 8 बजे गिनती शुरू हुई है, 8:27 का वक्त हो रहा है, लेकिन ये सीटें कहाँ से आ रही है? देखिए चामुंडेश्वरी से अच्छी खबर है, विकास मुंबई कर्नाटक बता रहे हैं। बिल्कुल चामुंडेश्वरी से जीटी देवेगौड़ा आगे चल रहे हैं, जेडीएस के कैंडिडेट हैं। चन्नागिरी से वसव राजू आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। चिकपेट से उदय गुरुदाचार आगे चल रहे हैं। सीटों पर कांग्रेस और तीन ही सीटें पिछली बार इस रीजन से जीती थी कांग्रेस ने, तो उस पर वही तीन सीटें हैं जिस पर कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कोस्टल में ओल्ड मैसूर में क्या हो रहा है? ओल्ड मैसूर में लगातार आंकड़ों में बदलाव दिख रहा है, लेकिन जितनी सीटें जेडीएस की पिछली बार थी रुझान में जेडीएस अभी वहां नहीं पहुंच पाई है। 27 थी पिछली बार, 27 थी, अभी 9 पर टिकी हुई है। कांग्रेस ने बड़े अपना आंकड़ा छू लिया, 17 सीटें थी, 16 पर वो पहुंच चुके हैं, रुझानों में जीत रही है। तो रुझानों में पिछली बार वाला आंकड़ा छूते हुए ओल्ड मैसूर रीजन में रूबिका कांग्रेस नजर आ रही है और बीजेपी के कुछ गढ़ में झटका देती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। 200 सीटों का इस वक्त रुझान आ चुका है, आप ये डबल सेंचुरी रुझानों की, कांग्रेस 200 में से 100 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 80 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है।